नमस्कार दोस्तों हमारे इस youtube चैनल ppc लर्निंग में आप सभी का स्वागत है आज का हमारा टॉपिक है नेगोशिएशन प्रोसेस चलिए शुरू करते हैं चलिए शुरू करते हैं नेगोशिएशन प्रोसेस जिसको हम इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं नेगोशिएशन प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन एंड प्लानिंग सेकंड स्टेप है डेफिनेशन ऑफ ग्राउंड रूल्स थर्ड स्टेप है क्लेरिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन फोर्थ स्टेप है बार्गेनिंग एंड प्रॉब्लम सोल्विंग एंड फिफ्थ स्टेप है क्लोजर एंड इम्प्लीमेंटेशन हम इस डायग्राम के माध्यम से नेगोशिएशन प्रोसेस को कंप्लीट डिफाइन कर सकते हैं आगे हम इन सभी स्टेप के बारे में डिफाइन करेंगे अब इसमें फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन एंड प्लानिंग जिसको हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि दिस स्टेप कॉल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ डिस्प्यूटल इशूज काजिज फॉर नेगोशिएशन टू टेक प्लेस पार्टीज इन्वॉल्व व्यू पॉइंट द पार्टीज एक्सपेक्टेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ नैगोसिएशन इसका मतलब है कि यह फर्स्ट स्टेप होता है नैगोसिएशन प्रोसेस का जिसका ऑब्जेक्टिव होता है यानी जिसका अभिप्राय होता है कि इस स्टेप में हम जानते हैं कि किसी भी दो पार्टीज के बीच नेगोशिएशन का कारण क्या है कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है नेगोशिएशन प्रोसेस में उन दोनों या जितनी भी पार्टीज किसी प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं उनका क्या क्या व्यू पॉइंट्स है क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं और क्या वो चाहते हैं क्या उनका ऑब्जेक्टिव्स है और ये सभी चीज़ें इसके नेगोशिएशन प्रोसेस के फर्स्ट स्टेप में डिफाइन होती हैं जिसका नाम है प्रिपरेशन एंड प्लानिंग तो सेकेंड स्टेप है नेगोशिएशन प्रोसेस का वो है डेफिनेशन ऑफ ग्राउंड रूल्स जिसको हम स्टडी करेंगे आफ्टर प्लिंग एंड डेवलोपिंग द स्ट्रैटिक प्लान द रूल्स एंड प्रोसेस टू बी फॉलोड शुड बी मेड अवेयर टू द पार्टीज यानि एक स्ट्रैटिक प्लान के डेवलोप होने के बाद जो भी नैगोसिएसन के बेसिक रूल्स हैं वो जितनी भी पार्टीज नैगोसिएशन प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं उन सभी पार्टीज़ को उन बेसिक रूल से अवेयर करा दिया जाता है एट दिस स्टेज द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एजेंडाज इन बिटवीन द पार्टीज टू नेगोशिएसन इज आल्सो डन इट हेल्प्स द पार्टीज़ टू नेगोशिएशन इन गेटिंग एक्वेंटेड विद ईच अदर वेन्यू टाइम लिमिट्स इश्यूज़ एंड द आइडियल प्रोसेस टू बी फॉलोड इफ़ द नेगोशिएशन प्रोसेस रिचिज ए डेड लॉक सिचुएसन बाई चांस अगर कभी ऐसा हो जाए कि जो नेगोशिएशन प्रोसेस है वो डेड लॉक सिचुएसन पर पहुँच गई तो उस टाइम जो भी पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं नगोसिएसन प्रोसेस में उनका अगला स्टेप क्या होगा ये सभी चीज़ें इस सेकेंड स्टेप डेफिनेशन ऑफ ग्राउंड रूल्स में डिस्कस कर ली जाती हैं िएशन प्रोसेस का जो थर्ड स्टेप है वो है क्लैरिफिकेसन एंड जस्टिफिकेशन। इन द पार्टीज टू द नेगोशिएसन हैव एन अपॉर्चुनिटी टू सपोर्ट देयर डिमांड्स टू देयर काउंटर पार्टस बाय जस्टिफाइंग एंड एम्फिजिंग दैम इन द मोस्ट कन्वाइसिंग मैनर द सिचुएशन शुड नॉट बी यूज एज प्लेटफॉर्म फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेदर इट शुड बी यूजड एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर एनलाइटनिंग

जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं दिस पार्टिकुलर स्टेज कम्स इन टू प्ले ओनली आफ्टर द पार्टीज टू द नैगोसिएशन हैव बिकम फुली फैमिलियर विद ईच अदर्स रिक्वायरमेंट्स एंड कंसनट्रेंट्स यह जो स्टेज है यह तब अस्तित्व में आती है जब जितने भी पार्टीज नेगोशिएशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं वो एक दूसरे की रिक्वायरमेंट्स यानी आवश्यकताओं और बाधाओं उनसे पूरी तरह से परिचित होती हैं यानी फैमिलियर होती हैं नेगोशिएशंस आर मेनली करेक्टराइज बाय ग्रांटिंग एंड रिसीविंग द कंसेशंस ड्यूरिंग फाइनलाइजिंग एन एग्रीमेंट दिस स्टेप इन्वॉल्व द एक्चुअल बार्गेनिंग प्रोसेस फॉर सॉल्विंग द इश्यूज यह जो स्टेप है इसमें एक्चुअल बारगेनिंग प्रोसेस इन्वॉल्व होती है इशूज़ को सॉल्व करने के लिए और इस तरह से हम नेगोशिएशन प्रोसेस का जो फोर्थ स्टेप है बारगेनिंग एंड प्रॉब्लम सोल्विंग उसको डिफाइन कर सकते हैं अब फिफ्थ स्टेप है क्लोज़र एंड इम्प्लीमेंटेशन यह लास्ट स्टेप है नेगोशिएशन प्रोसेस का जिसको हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं द फाइनल एग्रीमेंट विच इज़ द आउटकम ऑफ नेगोशिएशन हैज़ टू बी पुट इन ए फॉर्मल वे अंडर दिस फाइनल स्टेप Also, this step encompasses development of any necessary steps for executing and controlling the agreement. Few examples of negotiations which need to be necessarily formalized are employee employer contracts, lease term negotiations, purchase of a property, offering a job for a top management position. हाउ मोस्ट नैगोसिएशंस कंक्लूड इन ए फॉर्मल वे जस्ट थ्रू अ हैंडसेक और इस तरह से हम जो हमारी नेगोसिएशन प्रोसेस है उसको पूरी तरह से डिफाइन कर सकते हैं नैगोसिएसन टॉपिक का हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इश्यूज इन नैगोसिएशंस जिसको हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं द कॉन्ट्राडिक्ट्री ओपिनियंस इन एन ऑर्गनाइजेशनल एनवायरमेंट समाइम्स कॉम्प्लिकेट द नैगोसिएशन प्रोसेस एंड गिव राइज टू सर्टेन ईशूज़ विच नीड्स टू बी रिजोल्व यानी बहुत से कॉन्ट्राडिक्ट्री ओपिनियंस होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में अराइज हो जाते हैं जो नेगोसिएसन की प्रोसेस को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं और उन को रिजोल्व करना बहुत जरूरी हो जाता है सम ऑफ द इम्पोर्टेंट ईशूज़ आर जिनमें हम कुछ ऐशूज़ को बता सकते हैं फर्स्ट है डिफरेंसेस इन पर्सनालिटी सेकंड है डिफरेंसेस इन जेंडर थर्ड है डिसीजन मेकिंग बायसेस एंड फोर्थ है कल्चरल फैक्टर्स नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ नेगोशिएशन यानी नेगोशिएशन की इम्पोर्टेंस क्या क्या है जिसमें हम इन पॉइंट्स के माध्यम से डिफाइन कर सकते हैं फर्स्ट पॉइंट है इट कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्टेंड कोस्ट इफेक्टिव थर्ड मेक्स रिलेशनशिप स्ट्रोंगर फोर्थ हेल्प्स इन गेनिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड फिफ्थ इट हेल्प्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग सिक्स इट हेल्प्स टू रीच कॉमन ग्राउंड वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू